जागते रहो। बार बार तुम्हारे प्रश्न आते हैं कि परमात्मा हमारा बुद्धत्व कैसे जागृत होगा, कहां से जागृत होगा। सदियों बीत गई उपाय करते करते, कैसे समझाऊं तुम्हें कैसे जागृत होगा। बुद्धत्व ये शब्द ही बना है बोध से, बोध का मतलब तुम्हारा ज्ञान, किताबों का ज्ञान नहीं, वो तो अलग वस्तु है। तुम्हारे विद्वान जो बातें करते हैं शास्त्रों की, उसको वो बोलते हैं ना शास्त्रार्थ हो रहा है, शास्त्रों के अर्थ निकाले जा रहे हैं अपनी अकल के नहीं। अब बुद्धत्व बोध से बना है, तुम्हारे बोध से। कहीं तुमने पढ़ा है पुस्तकों में बोध लिखा है? एक भी पुस्तक ऐसी नहीं मिलेगी जहां तुमने ये पढ़ा हो कि बोध का तात्पर्य पुस्तक से है। शास्त्र का तात्पर्य है, शास्त्रार्थ का तात्पर्य शास्त्र से है, लेकिन बुद्धत्व इसका तात्पर्य बोध से है, तुम्हारे बोध से। और तुम उसमें अड़चन क्या करते हो तुम्हारे ही बोध को जागृत ना होने में, कि तुम नया जो भी तुम्हें मिलता है, तुम्हारा बोध भी तो नया होगा, तुम्हारा मस्तिष्क की जब खिड़कियां खुलेंगी वो भी तो नया ही ज्ञान को अर्जित करेंगी। नए का तो तुम घोर विरोध करते हो और पुराने को तुम ढोए जाते हो। और पुराना भी एक नहीं है, एक बुद्ध कहता है तू गिन मत, मारता जा काटता जा, सुबह शाम की भी परवाह मत कर, युद्ध में जो तू करे वो हिंसा है ही नहीं, तू मार ही नहीं रहा, तू तो बस निमित्त है, मारने वाला तो कोई दूसरा है। ये एक बुद्ध के वचन है कृष्ण के। और दूसरा बुद्ध कहता है अहिंसा परमो धर्म, चींटी को भी मारना पाप है। ये महावीर के वचन है। एक कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि, स्वयं के बोध की शरण में आ जाओ, अपो दीपो भवा। और एक बुद्ध कहता है राम गयो कृष्ण गयो और मरमर गए शरीर, और हंसा बिसरा ना मरियो और कह गए दास कबीर। ये भिन्न बुद्ध के वचन है। एक बुद्ध किशन के नाम में मतवाला है जिसे तुम चैतन्य कहते हो, और एक बुद्ध वो जो संसार में संसार की ही भांति सन्यासी की ही भांति रहकर विरक्त है, उस हुक्मी के प्रेम में पागल है जिसे तुम नानक कहते हो। वास्तव में सभी बुद्ध अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, तिल मात्र भी गलत नहीं है, क्योंकि सभी में मार्ग का ही तो भेद है, मंजिल तो सभी की एक है, लेकिन तुम्हारे काम इनमें से कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि तुमने बुद्धों को तो देख लिया लेकिन चले तुम कहीं भी नहीं, वहीं के वहीं बैठे हो, बिना चले पहुंचो के कैसे। पाठ पूजा नाम जप धूप दीप इनसे तो कोई भी बुद्ध कहीं नहीं पहुंचा, तुम कैसे पहुंचोगे। बुद्धत्व तुम्हारा तभी जागृत होगा जब तुम पहले के बुद्धों को छोड़ोगे और स्वयं उठकर खड़े हो जाओगे चलने को। फिर तुम पाओगे कि मार्ग तो सभी के भिन्न है, तुम्हारा मार्ग भी भिन्न होगा। जब तुम पहुंचोगे तब तुम जानोगे मंजिल तो वही थी, मंजिल तुम्हारी भी वही होगी जहां पहले के बुद्ध पहुंचे, लेकिन तुम्हारे लिए किसी भी बीते हुए बुद्ध का मूल्य नहीं है, और ना ही मार्ग का मूल्य है, और ना ही होना चाहिए। तुम्हारे लिए मूल्य होना चाहिए तुम्हारा स्वयं का, तुम्हारे लिए मूल्य होना चाहिए तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का, तुम्हारे भविष्य का। इसी देह के भविष्य की बात कर रहा हूं मैं,
देह के बाद की कल्पनाओं को तो मैं महत्व ही नहीं देता। अगर तुम्हारे भविष्य की रक्षा के लिए तुम्हारी संस्कृति को भी तुम्हें दाव पर लगाना पड़े तो ध्यान देना, लगा देना चाहिए। अगर तुम्हारे बोध की वृद्धि के लिए, तुम्हारे बोध को जागृत करने के लिए, तुम्हारे बुद्धत्व के उदय के लिए पुराने बुद्धों की भी बलि देनी पड़े तो सस्ती है, दे देनी चाहिए। सस्ता सौदा होगा ये। लेकिन तुम तो पुराने बुद्धों के वचनों के लिए अपना वर्तमान और भविष्य सभी कुछ दाव पर लगा रहे हो। हमारी संस्कृति बची रहे लेकिन भविष्य की कीमत पर नहीं। नए को मारकर पुराने को बचाना मूर्खता है। बच्चों की आंखें निकालकर बूढ़ों का अंधापन ठीक करना बिल्कुल ही गलत है। बूढ़ों को जाना चाहिए, बच्चों को आना चाहिए। पुरानी परंपराओं के खंडरों को संभालने की कोई आवश्यकता नहीं है। नई इमारतें खड़ी करो, नए इतिहास रचो, नए मार्ग खोजो। रोज रोज नया बुद्ध जन्मे इस धरा पर, रोज रोज परमात्मा इस धरा पर उतरे। समाज, देश, दुनिया समझदार बने, खुशहाल बने, लोग स्वयं को मनुष्य समझें। इससे सुंदर धर्म और क्या होगा, इससे सुंदर भविष्य और क्या होगा। लेकिन तुम सभी लगे हो पुरानी लाशों को कंधे पर ढोने, विचारों की लाशें, परंपराओं की लाशें। लाशें ही तो हैं ये। तुम्हारे शरीर में से भी दुर्गंध आने लगी है। आखिर कब तक कोई भी लाश सड़ेगी नहीं। लाशें उतारो और नए जन्मे बच्चों को अपने कंधों पर बिठाओ। वो तुम्हारा भविष्य होगा, भविष्य तुम्हारा उजागर होगा। लेकिन अभी तो तुम सभी अपना अपना जीवन लाशों को संभालने पर लगे हो, इसलिए ही तुम्हारा जीवन दुखी है। देखो अपने अपने धर्म को, अपने स्वयं को, जैसे मुसलमान अपना पूरा जीवन खत्म करके बैठा है कि उसे किसी मूढ़ धर्म गुरु ने समझा दिया कि तू 10 बच्चे पैदा कर और अपनी कौम पर न्यौछावर कर। ये अल्लाह का काम है, तू उसके काम का है, तू उसके काम आ जा। और वो बिना सोचे समझे उन बच्चों के भविष्य की चिंता किए बगैर कि उनका भविष्य क्या होगा, शिक्षा क्या होगी, वो बच्चे पैदा करने में लग गया। और हिंदू भी यही सोच रहा है। हाँ, वो बच्चे नहीं पैदा कर रहा है, लेकिन हाथ में तलवार लिए, अपने बच्चों के हाथ में तलवार दिए, हाथ में गीता लेकर, रामायण लेकर, जीवन को भूलकर ईश्वर की रक्षा करने में ही जीवन को ही महत्वपूर्ण समझता है। वो सोचता है मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया कि मैंने ईश्वर की रक्षा की, मैंने गीता की रक्षा की। भेद नहीं है दोनों में ज्यादा भी, ना हिंदू में, ना मुसलमान में, ना सिख में, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन। सभी स्वयं के जीवन को भूलकर, स्वयं को भूलकर, अपने जीवन के मूल्यों को भूलकर केवल हाथ में फलसा उठाए, हाथ में तलवार लिए, हाथ में डंडा लिए अपने अपने ईश्वर की रक्षा करने में लगे हैं। उस ईश्वर की, उस खुदा की रक्षा करने में तुम लोग अपने अपने जीवन को ही भूल गए। जैसे तुम्हारे ही कारण तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा खुदा जैसे तुम्हारे ही कारण जिंदा है, तुम ही उसकी रक्षा किए बैठे हो। और केवल हिंदू मुस्लिम ही नहीं, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी मूर्ताएं कर रहे हैं। भिन्न भिन्न मूर्ताएं दिखती होंगी लेकिन है एक ही समान। सभी लाशों को जलाना होगा जिससे नए बच्चों के लिए सीटें खाली हो सके और एक सुंदर भविष्य की ओर बढ़ा जा सके। और तभी बुद्धत्व जागृत होगा। और यही बुद्धत्व है कि तुम पुराना छोड़कर नए को जन्माओ।
बुद्धत्व कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि तुम्हारे सर के पीछे चार चांद लग जाएंगे, तुम्हें भूत भविष्य दिखना लग जाएगा, तुम्हारे सर के पीछे चक्र घूमने लग जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई मूर्ता बुद्धत्व नहीं है। बुद्धत्व प्रज्ञा, बोध, इनलाइटेंड, इसका मतलब होता है तुम्हारे दिमाग की खिड़कियों का खुल जाना, तुम्हारे स्वयं के बोध का जागृत हो जाना, केवल इतना ही मतलब होता है। जिस सत्य धर्म की बात हम करते हैं ना, वो है क्या, वो बुद्धत्व है क्या, सही को सही देख लेना, बस इसी का नाम सत्य है। अभी तो तुम सही को सही कहां देखते हो, तुम गलत को सही देखते हो। किसी ने हजारों वर्ष पहले एक धर्म बना दिया, कोई 5,000 वर्ष पहले बना, कोई 2,500 वर्ष, कोई 500 वर्ष, तुम सभी आंखें बंद किए लग गए उसको ढोने, तुम्हारे स्वयं का बोध कहां गया? उस स्वयं के बोध का जागना ही बुद्धत्व है। कृष्ण ने अपना मार्ग खोजा था, बुद्ध ने अपना, महावीर ने अपना, मोहम्मद ने अपना, जीसस ने अपना, नानक ने अपना, कबीर ने अपना, लेकिन तुम तो पुरानी लाशों को ढोए जा रहे हो। बुद्धत्व केवल तुम्हारे बोध के जागने का नाम है और कुछ भी नहीं। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।